सो आई थिंक लास्ट क्लास में अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म किया था, करेक्ट है? या कुछ पेंडिंग था? पेंडिंग नहीं है, बराबर हो गया ना? डीम स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मैंने करा दिया, बराबर है ना? सो आई थिंक खत्म कर दिया अपन। सो वी कंप्लीटेड ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस इन द लास्ट क्लास। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद गार का प्रोविजंस, बराबर है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ओके फाइन बेटा, पेशेंस रखना। इसका है ना इंट्रोडक्शन ज्यादा मेन है, बाद में चैप्टर फटाक से खत्म हो जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कोई सुन रहा है? तो आप लोग के सीएस प्रोफेशनल के लिए ये दो टॉप चार टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बराबर है? एक तो मैट इंपॉर्टेंट है, एक गार इंपॉर्टेंट है, और एक ट्रांसफर प्राइसिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउट ऑफ ऑल दी टॉपिक्स, एंड और एक DTAA इंपॉर्टेंट है, बराबर है? सो एक चार टॉपिक आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से हर अटेम्प्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आते ही आते हैं। मैंने पढ़ाया है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट चेक कर लेना पेपर जाके। और एक गार न्यूली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट है, एंड ये सीएस एग्जीक्यूटिव में है भी नहीं, इसका छोटा सा भी एक्सपेक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव में नहीं है, एक पार्ट है बस छोटा सा, वो पढ़ता दूंगा मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा नया टॉपिक है, तो ये आप लोगों के सिलेबस के लिए हॉट फेवरेट बन जाता है, बराबर है? जनरल एंटी अवॉइडेंस। अभी ना बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, प्लीज फोकस करना और आंसर देना, बिकॉज आई अज्यूम ये सब तुम लोग को आता होगा, बराबर है? तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो आना चाहिए, आता होगा तो आंसर देना, रॉन्ग जाएगा तो चलेगा, बट आंसर देना प्लीज। बराबर है? पॉइंट नंबर वन बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अपन लोग ने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और एक आप लोग ने पढ़ा होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या होएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी क्या होएगा, बराबर है? ये सर हम लोग ने कहां पे किया है? सर ये आप लोग ने किया होएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एम आर राइट? बराबर, एक्टिव रहना बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक, नहीं तो खराब कर दोगे तुम लोग, बराबर है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आप लोग ने किया होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब आप लोग ने किया होगा इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कंप्यूट करना है, ध्यान से सुनना, एक एक टॉपिक बराबर से सुनना प्लीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किया होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन किया होगा, कैपिटल गेन्स किया होएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस किए होंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाई किया होएगा, फिर बाद में आप लोगों ने डिडक्शंस किए होंगे, आप लोगों ने एग्जेम्पशंस किए होंगे, बराबर है? और कोई टॉपिक याद है सीएस एग्जीक्यूटिव में जो किया था वो बोलो ना प्लीज। थैंक यू। टीडीएस टीसीएस किया होगा, वो टैक्स लाइबिलिटी का आ जाता है। हाँ एक मिनट बेटा, टीडीएस टीसीएस किया था वो टैक्स लाइबिलिटी का एक पार्ट है। एक किसी ने बोला एडवांस टैक्स किया था सर, और बोलो, सॉरी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आंसर सुन के। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया था, क्लबिंग किया था वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्लबिंग में लिख नहीं रहा हूँ, 2 मिनट बाद लिखूंगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया था, और जो भी टॉपिक याद है बोल दो फटाफट फटाफट फटाफट। असेसमेंट किया होगा छोटा मोटा सा, असेसमेंट किया होगा, रिटर्न्स ऑफ इनकम किया होगा, अरे यस और नो, रिटर्न्स ऑफ इनकम किया होगा, बराबर है? सो बेटा रिटर्न्स ऑफ इनकम किया होगा कि रिटर्न कैसे फाइल करने का, ITR 1 ITR 2 में ड्यू डेट होता है 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, जो भी आप लोग ने किया होगा। फिर बाद में आप लोगों ने किया होगा कि आपने रिटर्न फाइल किया, ऑफिसर को रिटर्न में लग रहा है कि मिस्टेक है, तो वो आप लोग को नोटिस भेजेगा, आप लोग उसके अगेंस्ट रिप्लाई दोगे, तो वो आप लोग का असेसमेंट वाला चैप्टर हो गया, बराबर है? और कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो बोलो ना प्लीज, इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और प्लीज रिप्लाई करो यार। और कोई टॉपिक पढ़ा है सीए फाइनल में, कोई टॉपिक पढ़ा है तो बोलो, मैट पढ़ा है और बोलो, मैट पढ़ लिया है, DTAA पढ़ लिया है, और
मैट एएमटी पढ़ा है, और डीटीडबल ए पढ़ा है, और क्या बोला आप लोगों ने? सी वो तो लिख दिया बेटा मैंने बेटा, बट उसमें टॉपिक्स कौन से पढ़े हैं? एक तो आप लोग ने बोला था, किसी में से तो आप लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम बोला था, और एक शायद मैंने ही टॉपिक बताया था, मुझे याद है ट्रांसफर प्राइसिंग करके मैंने पढ़ाया होएगा, ये मुझे याद है, और डीटीडबल ए आप लोगों ने पढ़ा, मैट एएमटी आप लोगों ने पढ़ा, और बोलो ना जल्दी यार। और कोई टॉपिक याद है? बस इतना याद है, बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ा है, परफेक्ट है। और बस दैट्स इट, मैक्सिमम इतना याद है बस, और बाकी जो हो गया वो भूल गया, वो भूल गया, छोड़ो, इतना याद है मैक्सिमम बेटा। तो ये जो भी टॉपिक है ना, नीचे वाले दो टॉपिक स्टार वाले छोड़ दो बेटा, ये जो भी टॉपिक अपन ने बोर्ड पे दिखाई दे रहे ना, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स हो गया, और आप लोगों का एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी हो गया, मतलब जो आप लोग ने स्लैब रेट्स पढ़ा होएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स पढ़ा होएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स पढ़ा होएगा, विनिंग्स आप लोग ने पढ़ा होएगा, बराबर है बेटा? ये सब जो आप लोग ने पढ़ा है, ये एक्चुअल इनकम टैक्स लॉ है, ये एक्चुअल इनकम टैक्स लॉ है, कि आपको ये लॉ में ये चीज फॉलो करनी है। तो आपको अगर सैलरी रिसीव हो रहा है, तो सैलरी पे टैक्स ऐसे कंप्यूट करने का है, इनकम ऐसे कंप्यूट करने का है। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, डीम डिविडेंड पढ़ा है किसी ने, क्या नाम है पता नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक बोला है केवल, थैंक यू, बराबर है, किसी ने तो डीम डिविडेंड बोला, इट इज वेरी गुड टॉपिक, डीम्ड डिविडेंड, बराबर है। अंडर सेक्शन 222 पढ़ा होएगा, इसमें चार क्लॉज है, ए बी सी डी ई, आप लोग ने शायद ई पढ़ा होएगा, बराबर है, केवल आंसर दिया तो बोलना, चारों पढ़ लिया है 222, ए बी सी डी ई, या ओनली 222 ई पढ़ा है? सब पढ़ लिया, बराबर है। सो ये डीम डिविडेंड मैंने नीचे लिख दिया, बराबर है, और बस दैट्स इट, चैट में इतना आया, बराबर है। सो बेटा ये हो गया आप लोगों का इनकम टैक्स एक्ट, जो बोर्ड पे लिखा है, जो नीचे वाले उसको भूल जाओ ना। तो आपको अगर सैलरी मिला, तो सैलरी कंप्यूट कैसे करोगे, ये आपको फॉलो करने का है सैलरी चैप्टर में, मतलब सेक्शन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, वो जो था। हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम हो रहा है, तो आपको सेक्शन 22, 23, 24, 25 ये सब फॉलो करके इनकम निकालने का है, वो डिडक्शन 30% मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एंड सो ऑन। अगर आपको बिजनेस से इनकम हो रहा है, तो आप सेक्शन नंबर 28 वो सब फॉलो करोगे, 28 से 37 वाला। कैपिटल गेन हो रहा है, तो सेक्शन 52, 53, 54 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो बेटा ये जो भी टॉपिक है ना, ये इनकम टैक्स लॉ है, जो गवर्नमेंट बोलता है कि आपको फॉलो करना कंपलसरी है, और जो ये लॉ में लिखा है, आपको बस उतना ही फॉलो करने का है, करेक्ट है, बराबर है। तो कुछ सैलरी कंप्यूटेशन में लिखी है, तो जस्ट फॉलो व्हाट एवर इज रिटन इन द कंप्यूटेशन। अगर जो आपने लॉ में लिखा है वो आपने फॉलो कर लिया, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई नोटिसेस कुछ नहीं आएगा। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? प्लीज कमेंट यार, बराबर है, बाकी लोग नहीं बोल रहे बेटा, यस और नो? यस सर, बराबर है। सो बेटा ये हो गया अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको बोला है कि अगर आप प्रोफेशनल फीस पे करोगे, तो 10% टीडीएस डिडक्ट करने का है। आपने अगर 10% टीडीएस डिडक्ट किया, तो कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है। आप लोगों को गवर्नमेंट ने बोला है कि लॉस 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करो, मैंने 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया, कोई नोटिस नहीं आएगा, सब जो किया है वो प्रॉपर है। मेरे को गवर्नमेंट ने बोला है कि बिजनेस का लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकता है, मैंने सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं किया, मतलब इनकम टैक्स लॉ फॉलो किया, तो जो भी मैंने बोला है वो सब बराबर है, कोई नोटिस नहीं, इंटरेस्ट नहीं, पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं आएगा। मैट में मेरे को गवर्नमेंट ने बोला बुक प्रॉफिट का 18.5% टैक्स भरो, सरचार्ज भरो, मैंने भर दिया, मैटर एंड्स ओवर देयर, बराबर है। डीटीडब्ल्यूए में गवर्नमेंट ने बोला डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन फॉलो करो, मैंने वो फॉलो किया, कोई नोटिस नहीं आएगा, दैट्स इट। तो ये हो गया इनकम टैक्स एक्ट। अब बेटा इनकम टैक्स एक्ट में ये सब भी लिखा हुआ है सर, ये सब क्या है मैं बता दूं बेटा। इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करने के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि यार हम लोग को ये रियलाइज हो रहा है कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर है ना बहुत सारे लूपहोल्स है, और ये लूपहोल्स का फायदा उठा के लोग टैक्स बचा रहा है। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बराबर, ये लूपहोल्स का फायदा उठा के लोग टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, बराबर है।
तो ये लूपहोल को अपने को कवर करना पड़ेगा। अब बेटा जो टैक्स बनाने वाला आदमी है वो भी है तो इंसान ही ना, एम आई राइट? तो बेटा ये इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, एंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। सो पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है कि यार हर एक कंट्री बोलता है कि यार ये जो लॉ अपन बनाता है ना, वेदर इट इज इनकम टैक्स और कंपनी लॉ और एनी अदर लॉ, इट कैन नॉट बी फुल प्रूफ। उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा और उसका बेनिफिट उठा के लोग टैक्स इवेजन कर ही रहे हैं। अगर बेटा फुल प्रूफ होता तो एवरी ईयर अमेंडमेंट लाने का जरूरत नहीं पड़ता ना यार। एवरी ईयर अमेंडमेंट आता है, नोटिफिकेशन आता है, क्लेरिफिकेशन आता है एवरी ईयर। 1961 का लॉ है, तुम समझो 70-80 साल से ये लॉ चल रहा है। जीएसटी 17 में आया तो 4-5 साल पुराना लॉ है, तो उसमें अमेंडमेंट आने का समझता है कि भाई लॉ अभी नया बना है तो गवर्नमेंट के साथ में नए नए केसेस आते रहेंगे इतना। अरे यार ये सोचता ही नहीं है कोई। इनकम टैक्स एक्ट बेटा 1857 में इंडिया में आया था, 1857 में। 100 साल तो पुराना टैक्स चला जो ब्रिटिशर्स लाए थे, उसके बाद नया टैक्स 61 में आया। तो 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, आज 60 ईयर से टैक्स चल रहा है तो भी अमेंडमेंट्स आ ही रहा है यार। तो देर विल बी लूप होल्स इन द लॉ, इसलिए तो इतने अमेंडमेंट्स आते हैं, एम आई राइट? बराबर है। अब गवर्नमेंट बोलता है कि यार ये लूप होल को कवर करे तो कितना करे, बराबर है? जितने लूप होल्स को हम लोग ने कवर कर लिया ना, उसको हम लोग बोलेगा सार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। उसको अपन क्या बोलेगा? सार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, जो एक्चुअल में स्पीकिंग इनकम टैक्स लॉ के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो गया है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो गया है, इनकॉर्पोरेट हो गया है, मतलब ये इनकम टैक्स लॉ का एक पार्ट है। हाउएवर ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए बनाया हुआ है, टू स्टॉप टैक्स अवॉइडेंस, टू स्टॉप टैक्स अवॉइडेंस, बराबर है? मैं सुन रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं मैं, बराबर है? लॉ में जो लूपहोल्स है गवर्नमेंट बोल रहा है लोग उसका फायदा उठा के टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो लूपहोल्स को हम लोग को बंद करने का है। तो लूपहोल्स को बंद करने के लिए जो चीज लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने लिख दी है कि ये करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, तो उसको बोलते हैं सार, उसको बोलते हैं सार, जो इनकम टैक्स में ही गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और सिर्फ ये इंटेंशन से इनकॉर्पोरेट किया है कि लोग टैक्स का चोरी करने से बंद हो जाए, दैट्स इट। इसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी गवर्नमेंट 100% श्योर है कि अभी भी लोग टैक्स के प्रोविजन को मिस यूटिलाइज करके टैक्स का चोरी करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने गार एप्लीकेबल किया है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, बराबर है बेटा? दोनों का मकसद सेम है, दोनों का मकसद है टैक्स अवॉइडेंस को रोकने का, बराबर है? दोनों का मकसद है टैक्स अवॉइडेंस को रोकने का, अवॉइडेंस को रोकने का, बराबर है? सर तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बेटा एकदम छोटा सा डिफरेंस है, ये चीज जो है ना इनकम टैक्स लॉ में इनकॉर्पोरेटेड है, गवर्नमेंट ने ये ट्रांजेक्शन को कवर कर लिया है, बट ये चीज जो है इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड नहीं है, ये चीज जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड नहीं है। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? एक जन ने रिप्लाई दिया है, क्या मतलब है सर? बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं समझता है सर हम लोग को, एग्जाम्पल के साथ ही समझाना पड़ेगा। अरे यार ये प्लीज मेरा फेवरेट टॉपिक है, सब लोग खराब कर दोगे तुम लोग यार इसको। बेटा एक कॉन्सेप्ट है टैक्स प्लानिंग का, एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स अवॉइडेंस का, और एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स इवेजन का, टैक्स इवेजन का, बराबर है? सर टैक्स प्लानिंग का मतलब इज इट लीगल? यस इट इज लीगल। सर टैक्स अवॉइडेंस इज इट लीगल? टेक्निकली इट इज लीगल। सर टैक्स इवेजन इज इट लीगल? इट इज इलीगल, बराबर है? सर एग्जाम्पल दो ना प्लीज यार, कोई तो सुनता है यार। गवर्नमेंट ने मेरे को बोला है कि नीरज LIC में पॉलिसी निकाल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल। गवर्नमेंट ने मेरे को बोला है कि तू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर। गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि तू डोनेशंस कर, बराबर है? अगर मैं LIC निकालूंगा तो गवर्नमेंट बोलता है 80C में डिडक्शन मिलेगा, अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस लूंगा तो 80D में डिडक्शन मिलेगा, अगर मैं डोनेशंस दूंगा तो 80G में डिडक्शन मिलेगा, बराबर है?
तो बेटा मेरे को है ना टैक्स भरने को आ रहा था, मेरा इनकम है ना 11 लाख रुपए, सपोज एग्जैक्ट 11 लाख। तो अब इसमें क्या होता है मालूम है, 10 लाख के ऊपर इनकम चला गया ना तो सीधा 30% टैक्स ब्रैकेट में अपन चले जाते हैं, करेक्ट है? सुनना बराबर यार, क्या बोलूं मैं बेटा, मेरा इनकम 13 लाख ले लेता हूं ऐसे ही समझेगा, तो 13 लाख रुपीज मेरा इनकम है। अभी 10 लाख के ऊपर जैसे ही जाता है ना, मुझे मालूम है कि यार 30% टैक्स आ जाता है, सुनना बराबर से। तो है ना मैंने ये सोचा कि 3 लाख रुपए के ऊपर बेटा सोचो ना यार, मल्टीप्लाइड बाय 30% करूं, ये सिर्फ ऊपर वाले 3 लाख की मैं बात कर रहा हूं, तो 90,000 रुपीज मेरा टैक्स आ जाएगा। मैं 0 से 10 लाख का टैक्स तो मैं इग्नोर ही कर रहा हूं, वो तो 1,12,500 जो है उसको इग्नोर भी कर दिया ना, प्लस बेटा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जाता है, तो 90,000 प्लस 4% कितना होएगा, 93,600 टोटल टैक्स आएगा। ये सिर्फ 3 लाख की मैं बात कर रहा हूं, पहले 10 लाख पे जो आएगा वो तो अलग हो गया बेटा। जिसका 13 लाख रुपया इनकम है, मैं बोल सकता हूं वो महीने का रफली 1 लाख रुपया कमाता होगा, है ना, 13 लाख डिवाइड बाय 12 करोगे तो 1,10,000 जो भी आएगा वो आएगा यार, तो मैं बोल सकता हूं। तो ये बेटा 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है, जिसमें से 3 लाख रुपए पे इतना हैवी टैक्स है कि आपका 1 महीने का पगार तो टैक्स में चला गया, बराबर है? अगर मैं दोनों ऐड करूं ना, पहले 0 से लेकर 10 लाख पे 1,12,500 टैक्स आता है, बराबर है? 1,12,500 आता है, वो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मेरे काम का नहीं है, इग्नोर करना। सो 90,000 एंड 1,12,500 कितना होता है, टू लैख टू थाउजेंड। तो बेटा बेसिकली मेरा है ना 2 महीने का सैलरी तो टैक्स में चला गया, मैंने 12 महीना काम किया, मुश्किल से 13 लाख कमाया, उसमें से मेरा 2 महीने का सैलरी तो इधर ही चला गया, एम आई राइट? तो मैंने ये सोचा कि यार पहले जो भी ना स्लैब रेट इज्जत वाले 0 से 2,50,000 पे 0 है, फिर 5% है, फिर 20 है और फिर 30 है, तो ये 30 वाला तो रिडिकुलस है एकदम, मतलब बहुत जबरदस्त है यार। तो मैंने ये सोचा कि 10 लाख रुपीज जितना अगर मैं इनकम बता दू ना तो मेरे को एक बार चल जाए, 1,12,500 जितना टैक्स पे करना चल जाए, बट यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने ATC में LIC होम लोन ये सब का 1,50,000 रुपए का डिडक्शन लिया, बराबर है? और मैंने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला, मैंने जानबूझ के निकाला टैक्स भरने के लिए, बराबर है? उसमें मैंने मेरा, मेरी बीवी का, बच्चों का पॉलिसी निकाला, मेरे मम्मी पापा का पॉलिसी निकाला, तो टोटल 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल गया, सही जा रहा हूं मैं, बराबर है? और मैंने 80G का डोनेशन किया और बाकी जो भी सेक्शन है, ई फॉर एजुकेशन लोन मैंने निकाला होगा, कुछ भी किया होगा, सपोज वो मैंने 1,50,000 रुपए का किया अदर डिडक्शंस में, तो 3,50,000 रुपए का डिडक्शंस हो गया, तो 9,50,000 मेरा इनकम हो गया। और अब मैं इसके ऊपर टैक्स भरूंगा और मेरे को चलेगा वो चीज, मेरा 30% वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, समझ रहे? अरे यार मजा आ रहा है, बराबर है? तो बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस भेज देता है, बराबर है? और वो नोटिस में भेजता है कि नहीं नहीं तुम्हारा इनकम 13 लाख का था, तुम लोग ने डिडक्शन जानबूझ के लिया है टैक्स बचाने के लिए, तो तुम लोग टैक्स 13 लाख पे भरो। मैं बोल रहा हूं पागल है क्या, तुम्हारे गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है कि तुम LIC निकालो हम लोग डिडक्शन देगा, मैंने वही किया है, तुम मेडिकल प्रीमियम भरो हम लोग डिडक्शन देगा, मैंने वही किया है, तुम डोनेशन दो हम लोग डिडक्शन देगा, मैंने वही किया है। सो बेटा ये जो 9,50,000 है मैं टैक्स इसी के ऊपर भरूंगा और डिपार्टमेंट कोई नोटिस भी नहीं भेजेगा। तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट बेटा टैक्स बचाने के लिए किया है, बट ये कंप्लीटली लीगल है, तो इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। इतना पॉइंट समझा है, बराबर है? सो टैक्स प्लानिंग इज इट लीगल? यस सर इट इज 100% लीगल, और ये आप जानबूझ के ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो टैक्स बचाने के लिए, तो भी कोई रोकने नहीं वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि तुम लोग ट्रांजैक्शन करो, गवर्नमेंट को एंकरेज करना है कि इंडिया में लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, लोग डोनेशन दे, तो ठीक है हम लोग ने दिया उसमें क्या है, बराबर है? चलो तो ये हो गया टैक्स प्लानिंग, इतना सबको समझ गया होगा। सर नीरज का इनकम 13 लाख रुपया है, अब नीरज को मालूम है कि 10 लाख के ऊपर इनकम गया तो 3 लाख रुपए के ऊपर हैवी टैक्स आ जाता है। अब नीरज को ये 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं भरने का है, बराबर है? नीरज बोलता है ये कैसे भी करके यार ये टैक्स हट जाए ना तो 90,000 रुपया मेरा बच जाएगा, बराबर? तो अब यहां पे मैंने क्या किया, डिडक्शंस ले लिया, बराबर है बेटा? LIC निकालना बहुत अच्छी बात है, सबका होना ही चाहिए,
तो गवर्नमेंट अगर डिडक्शन नहीं भी दे रहा है तो भी अपने को लेना चाहिए, बराबर है। अरे LIC को निकालना ही चाहिए ना, मेडिकल इंश्योरेंस सबका होना ही चाहिए कंट्री में, बराबर है। तो बेटा ये सब होने ही चाहिए, बट कोई कोई लोग बोलता है अरे छोड़ना यार, कौन निकालेगा LIC वाले, मरने के बाद क्या होएगा किसको पता, छोड़ो। तो मैंने बोला मेरे को कोई डिडक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे को टैक्स भी नहीं भरने का। तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, मेरे को है ना 10 लाख रुपए का इनकम था। अब जिस दिन 10 लाख रुपए का इनकम क्रॉस होने वाला था ना, मेरे को सपोज प्रूविंग से फोन आया, बोलते कि सर आप हमारे यहाँ पे पढ़ाओगे क्या। मैंने बोला सर कितना रुपया मिलेगा, बोला सर 3 लाख रुपया मिलेगा। मैंने बोला सर कैश में दोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो इन लोग ने बोला ठीक है सर कैश में दे देंगे। तो बेटा मैंने ना इनसे 3 लाख रुपया कैश में ले लिया, बराबर है। बेटा कैश भी तो इनकम ही होता है, एम आई राइट? तो मेरे को क्या बोलना चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि 10 लाख रुपया मेरे को चेक से मिला है और 3 लाख रुपया कैश में मिला है, तो मेरा इनकम 13 लाख रुपीज हो गया और मुझे टैक्स भरना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ पागल थोड़ी ना है, कैश में पैसा लिया तो क्यों बताऊंगा, समझा? तो बेटा मैंने 3 लाख बताया नहीं है और मैं 10 लाख पे ही टैक्स भर रहा हूं। तो बेटा ये हो गया टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब क्या हो गया बेटा, मैंने इलीगली ट्रांजेक्शन किया है। इलीगली मतलब मैंने कैश ले लिया और गवर्नमेंट को मैं बता नहीं रहा हूं कि मेरा इनकम 13 लाख है। गवर्नमेंट को कहीं से मालूम पड़ गया, सपोज मेरा और प्रोविंस का लड़ाई हो गया, बराबर है, रिलेशन बैड टर्म्स में खराब हो गए, प्रोविंस ने गवर्नमेंट को ईमेल लिख दिया कि एक नीरज नाम का आदमी है जो कैश में पैसा लेता है, गवर्नमेंट ने रेड गिराया। अभी आया ना सोनू सूद के घर पे रेड, 20 करोड़ रुपया बोलता है इलीगल है। तो बराबर है रेड गिरा, मेरे घर से कैश मिला। तो ये बेटा हो गया टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज इलीगल, बराबर है। बेसिकली आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो कैश में, एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल मैंने दिया है, कैश इनकम। सो आपने कैश में इनकम लिया और उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, टैक्स 10 लाख पे भरा। दोनों में सेम था बेटा, इधर भी 10 लाख पे टैक्स भर रहा था, इधर भी था, बट इधर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए तो टैक्स प्लानिंग हो गया और इधर टैक्स इवेजन हो गया। इज दैट पॉइंट क्लियर? बराबर है, डाउट है तो पूछना, बिकॉज आगे वाला पॉइंट नहीं तो समझेगा नहीं, ये आगे वाला कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, ये तो इजी पॉइंट है, बराबर है। तो ये हो गया टैक्स प्लानिंग और ये हो गया टैक्स इवेजन, सही है, बराबर है। बराबर है, अभी दिमाग लगाना ना थोड़ा सा प्लीज। बेटा मेरा जो इनकम है ना, मेरा प्रोफेशनल फीस सिर्फ और सिर्फ 10 लाख है एग्जैक्ट, वही एक ही एग्जाम्पल में बार बार घुमा रहा हूँ बिकॉज तीनों इंटरलिंक हो जाएगा, बराबर है। सो मेरा प्रोफेशनल फीस जो मिलता है 10 लाख रुपया है और मैं ये प्रोफेशनल फीस पे टैक्स भरने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मेरे को क्या मालूम है 0 से 2.5 लाख का तो एग्जेम्पशन मिल गया, डिडक्शन वो सब और ले लूंगा एंड सो ऑन सो ऑन। जो भी सुन रहे हो बेटा, मेरे नाम पे एक घर है, बराबर है, मेरे नाम पे घर है नीरज के नाम पे, बराबर है। और ये घर से ना नीरज का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सब ये डिडक्शन विडक्शन 30% वाला माइनस करके 3 लाख रुपए आने वाला है, बराबर है। सो ईयर एंड होने वाला था या ईयर स्टार्ट होने वाला था, सपोज नया ईयर स्टार्ट हुआ, तो मैंने रियलाइज किया अभी तक मेरा है ना प्रोफेशनल फीस 5 लाख ही था, सपोज अभी मेरा प्रोफेशनल फीस बढ़ गया 10 लाख रुपया हो गया, बराबर है। तो मैंने बोला यार अभी तो यार ये मगजमारी वाला हो गया, पहले तो 5 लाख का प्रोफेशनल फीस था, 3 लाख का हाउस प्रॉपर्टी था, 8 लाख था जो मैं रेडी हूँ, 10 लाख के नीचे इनकम पे टैक्स भरने के लिए रेडी हूँ। बट जैसे ही मेरा प्रोफेशनल फीस, मैं श्योर हूँ कि ये साल 10 लाख हो जाएगा, मेरे को कोई नया क्लाइंट मिला या जो भी रीजन होगा, तो बेटा मैंने ये सोचा कि 10 लाख रुपया जो फीस मिला उसके ऊपर 3 लाख रुपया 13 लाख हो गया, वापस से टैक्स 30% में चला गया जो मुझे नहीं जाने का। तो अभी मैं क्या करूं कि मेरा टैक्स नहीं आए मुझे, कोई सुन रहा है मैं क्या बोलूं? बिकॉज जो क्लासेस वाले उन लोग ने बोला सर पढ़ाने का है तो पढ़ाओ, फीस तो चेक में मिलेगा। जो टेनेंट है रेंट वाला वो बोलता है सर चेक में पैसा दूंगा, कोई कैश वैश नहीं मिलने वाला है। और सपोज मेरे को डिडक्शन नहीं लेने का, ATCET में इन्वेस्ट नहीं करने का, सपोज जो भी रीजन होगा, बराबर है। तो अब मैंने क्या किया मालूम है क्या, सुनना बराबर से, पढ़ चुके हो तुम लोग बेटा। मैंने क्या किया, मैंने गवर्नमेंट के पास गया और मैंने बोला कि गवर्नमेंट ये प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड मैं बना रहा हूं, और ये जो गिफ्ट डीड मैं बना रहा हूं सर, ये मैं बना रहा हूं अपने वाइफ के नाम पे। सो अप्रैल 2021 से
बेटा ये गिफ्ट डीड के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे वाइफ के नाम पे हो गई, बराबर है? तुम लोग को आता है, मैं सिर्फ तुम लोग को रिवीजन करवा रहा हूं बस, बराबर है? तो सर नीरज ने अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट में दिया है तो कैपिटल गेन्स अट्रैक्ट नहीं होता है, बिकॉज कैपिटल गेन के हिसाब से गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस ट्रांसफर नहीं है, एम आई राइट? तो नीरज ने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो नीरज को कोई कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं हुआ सर। बट गिफ्ट अगर 50,000 रुपए के ऊपर मिलता है तो रिसिपियंट को टैक्स आता है। ये बोलती है कि रिलेटेड पार्टी से गिफ्ट मिला तो ये भी एग्जेम्प्ट हो गया है, अदर सोर्सेस, एम आई राइट? तो नीरज ने घर ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन नहीं भरा बिकॉज वो गिफ्ट है। वाइफ को घर मिला, उसने कैपिटल गेन नहीं, उसने अदर सोर्सेज नहीं बताया बिकॉज वो रिलेटेड पार्टी से मिला है, तो ना इसको टैक्स आया ना उसको टैक्स आया। और ये जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है 3 लाख रुपया, अब मेरी वाइफ के अकाउंट में चले जाएगा जिसका कोई इनकम नहीं है, तो ये तो टैक्स फ्री हो गई, बिकॉज 5 लाख में रिबेट लेके तो अपन टैक्स ही नहीं भरते, करेक्ट है? अरे बराबर है। सो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन किया है, ये सुनना, और ये एग्जांपल मैं आगे वापस नहीं रिपीट करूंगा प्लीज। बेटा ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर की है, बेटा इज इट अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? नो। तो इट इज नॉट अ बोनाफाइड ट्रांजैक्शन, नॉट अ बोनाफाइड ट्रांजैक्शन, बराबर है? मतलब ये ट्रांजैक्शन कोई ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं करता है, नॉर्मल केस में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं करता है सर। तो ये ट्रांजैक्शन अपन ने क्यों किया था सर? ये ट्रांजैक्शन अपन ने क्यों किया था? ये ट्रांजैक्शन अपन ने किया था ओनली विथ वन इंटेंशन, जिसका सोल इंटेंशन है टैक्स की चोरी करना, एम आई राइट? बराबर है। और सर ये ट्रांजैक्शन अपन ने लीगल वे में किया है, देखो ये लीगली कैपिटल गेन नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर लीगली गिफ्ट का टैक्स नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन मैंने लीगल भी किया है, बोनाफाइड नहीं है, और ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए एंटर हुआ है, तो बेटा ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, जहां पे आप लोग ने ट्रांजैक्शन को 100% लीगल है, एम आई राइट? बराबर है। ट्रांजैक्शन टेक्निकली लीगल है, बट ये लीगल ट्रांजैक्शन अपन ने एंटर कर रहे हैं, ये लीगल ट्रांजैक्शन अपन एंटर कर रहे हैं टू अवेल टैक्स बेनिफिट, टू अवेल टैक्स बेनिफिट। और ये जो ट्रांजैक्शन है वो बोनाफाइड नहीं है बेटा, एलआईसी निकलना एक बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है, एम आई राइट? बोनाफाइड मतलब जेन्यून यार, एलआईसी जेन्यूनली निकाला है और उसका डिडक्शन गवर्नमेंट ऑफिशियली देता है। यहां पे बेटा कोई गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ नहीं किया है, ये आपने टैक्स का लूपोल निकाल के ट्रांजैक्शन कर लिया है। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बराबर है। तो बेटा ये ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए, टैक्स प्लानिंग को तो क्या रोकेगा, वो तो ऑफिशियल है, इसको तो रोकना ही नहीं है। टैक्स इवेजन बेटा इलीगल है, ये तो अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ बना दिया, मतलब वो लीगल हो जाएगा। अरे बराबर ना, गवर्नमेंट ने अगर बोला कि कैश इनकम है उसमें ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो तो बेटा वो लीगल हो जाएगा, तो टैक्स इवेजन तो अलाउड ही नहीं है, वो इलीगल है। बराबर है सर। टैक्स अवॉइडेंस टेक्निकली लीगल है, बट गवर्नमेंट को ये ट्रांजैक्शंस को रोकने का है, तो बेटा अगर किसी को याद होएगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि 3 लाख रुपया जो वाइफ को मिलेगा वो क्लब हो जाएगा नीरज के इनकम के साथ। बराबर है। तो सर ये तो हम लोग ने बचपन में पढ़ा, आपने क्या नया बताया बेटा, ये जो बचपन में 3 लाख रुपया पढ़ा था ना क्लब हो जाएगा, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस को रोकने का ये एक मेथड है। और ये जो टैक्स अवॉइडेंस को रोकने का मेथड है वो लॉ के अंदर लिखा हुआ है, क्या क्लबिंग ऑफ इनकम इनकम टैक्स लॉ के अंदर लिखा हुआ है, तो बेटा इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, एग्जाम्पल क्लबिंग जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अश्विनी अगर क्लास में तो ऑफ करना माइक प्लीज बेटा, आप लोग का बैकग्राउंड में वॉइस बता रहा है। ओके फाइन।
ये समझा है बेटा, जिन लोग को नहीं समझा उन लोग कमेंट करना, नहीं तो डू नॉट कमेंट। जिन लोग को नहीं समझा सिर्फ उन्हीं लोग कमेंट करो, बाकी लोग कमेंट नहीं करना, बराबर है। सो जो आपने क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ा है ना, वो इनकम कंप्यूटेशन का मेथड नहीं है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी वो इनकम कंप्यूटेशन का मेथड है। क्लबिंग है कि लोग टैक्स अवॉइड करेगा, अवॉइड स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस वर्ड है, अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइड करेगा, तो वो अवॉइडेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्लबिंग का प्रोविजन डाला हुआ है। तो ये इनकम टैक्स लॉ के अंदर लिखा हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है कि लोग ऐसे चोरी करता है, तो टैक्स लॉ में गवर्नमेंट ने लिख दिया, तो उसको बोलते हैं सार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। डाउट है तो पूछो, नहीं तो कुछ कमेंट नहीं करना। टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग समझाएं। टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग है कि ट्रांजैक्शन 100% लीगल है, बराबर है, बट ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स में नहीं है, ये ट्रांजैक्शन टैक्स कम करने के लिए अपन एंटर कर रहा है, तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। अपन ट्रांजैक्शन शो कर रहा है, मैं बता रहा हूं कि मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, मैंने स्टैम्प ड्यूटी भी उसके ऊपर पे किया, तो ट्रांजैक्शन में लीगली एंटर कर रहा हूं, लीगली शो भी कर रहा हूं, बट टैक्स इवेड करने के लिए, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, बराबर है। सर एक एग्जांपल जो आप पढ़ के आए से आप वही बताते हो, और एक कोई एग्जांपल दो ना बेटा, मेरे को आंसर कोई बोल सकता है तो प्लीज बोलना। बेटा इधर एक्स लिमिटेड है और इधर वाई इनकॉर्पोरेशन है। एक्स लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, वाई लिमिटेड यूएसए की कंपनी है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में 26% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड किए हुए, और इसने जो सेल किया है ना बेटा, वो सेल किया है 45 लाख रुपीस में, बराबर है। कोई लेक्चर में है क्या, बराबर है। सो मेरे को यस सर, मैं रिया का नाम दिखाई दिया, बराबर है। रिया अगर क्लास में है तो प्लीज बोलना। बेटा मेरा है ना पेन बेचने का बिजनेस है, मैं आपको पेन 10 रुपए में बेचता हूं, तो मेरे को टैक्स 10 रुपए पे भरने का है, करेक्ट है। अगर मैंने पेन 8 रुपीज में बेचा, डिस्काउंट दिया, तो मैं पेन 8 रुपीज पे टैक्स भरूंगा, करेक्ट है। सेम पेन अगर सपोज नहीं बिक रहा था बहुत दिनों से, मैंने आपको 5 रुपए में बेच दिया, तो टैक्स आई विल पे ओनली ऑन 10 रुपीज, एम आई राइट रिया? बट अगर एसोसिएट एंटरप्राइज को मैंने 10 रुपए का पेन 5 रुपए में बेचा, तो गवर्नमेंट अलाउ करेगा क्या? नहीं। अरे सबको याद है क्या, अपन ने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि अगर यही पेन एक्स लिमिटेड अगर नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचता है, और अगर इसने यही चीज नॉन एसोसिएट के साथ 50 लाख में किया हुआ है, तो अपना जो ट्रांजैक्शन है बेटा वो भी 50 लाख पे रिकॉर्ड होएगा, एम आई राइट बेटा? तो ये हो गया सार। गवर्नमेंट बोलता है ये ट्रांजैक्शन तुम लोग ने लीगल किया है, तुम लोग ने कोई ट्रांजैक्शन छुपाया थोड़ी ना है, मैं बता रहा हूं कि मैंने 45 लाख में माल बेचा है, मैं बता रहा हूं कि मेरे पास 45 लाख रुपीज आ रहा है, तो लीगली तो मेरे को 45 लाख पे टैक्स भरना चाहिए। बट हम लोग को मालूम है कि तुम लोग है ना इंडिया में हायर टैक्स है और दूसरी कंट्री में लोअर टैक्स है, ये टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये बोनाफाइड ट्रांजेक्शन नहीं है। बोनाफाइड होता जब तुम 50 लाख में बेचते, बराबर है। तो ये बोनाफाइड ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन आपने टैक्स का चोरी करने के लिए किया है, टैक्स कम भरने के लिए किया है। तो प्लीज बोलो यार, ये क्या ये प्रोविजंस को कवर करने के लिए इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है? इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होएगा वो अगर फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं हुआ, तो हम लोग उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको बोलते हैं सार, इसको बोलते हैं सार, ट्रांसफर प्राइसिंग जो तुम लोग का है उसको बोलते हैं सार। इज दैट पॉइंट क्लियर यार? बराबर है। और सर और एक एग्जांपल दे सकते हो क्या, या बहुत है, इतना बहुत है क्या? नहीं बहुत नहीं, मेरे को आता है तो बेटा मैं दूंगा ही दूंगा, तुम यस बोलो या नो बोलो। बेटा इधर कौन है? DTAA, बराबर है, प्लीज कमेंट कर देना आता है तो। चाइना और इंडिया के बीच में एक अग्रीमेंट है,
और ये अग्रीमेंट के हिसाब से अगर रॉयल्टी टैक्सेबल हुआ इंडिया में तो इट इज टैक्सेबल एट 20%, बराबर है। यूएसए और इंडिया के बीच में भी एक एग्रीमेंट है, यूएस और इंडिया के बीच में भी एक अग्रीमेंट है, और ये अग्रीमेंट के हिसाब से रॉयल्टी अगर टैक्सेबल हुआ सो इट इज टैक्सेबल एट द रेट 5%, बराबर है। ये DTAA का एग्रीमेंट है दोनों कंट्री के साथ। तो इंडिया हर एक कंट्री के साथ अलग अलग अग्रीमेंट करता है। चाइना के साथ जो अग्रीमेंट है रॉयल्टी 20% टैक्सेबल है, और इसके साथ यूएसए के साथ जो अग्रीमेंट है कितने पे टैक्सेबल है? 5% पर। बेटा एक चाइना का आदमी है जिसने चाइना से कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड किया और वो बोलता है कि रॉयल्टी इंडिया में 20% पे टैक्स आएगा, जबकि वो आदमी को मालूम है कि अगर मैं यूएसए से वो सर्विस देता ना तो टैक्स 5% पे आता। और बेटा बहुत सारी चाइनीज कंपनी जो है यूएस के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बेटा इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर करके एक कंपनी लिस्टेड है, इंडिया की टॉप 5 कंपनी में आती है, बराबर है। बट बेटा इट इज अ यूएस का कंपनी, बराबर है। PNG जो है वो यूएस की कंपनी है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। कोलगेट इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बराबर है। और कौन सी, बहुत सारी है, कितनी सारी बोल सकता हूँ मैं, फाइजर इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो बेटा ये सब इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है जो यूएस की है। वैसे यूएस में बहुत सारी चाइना की कंपनी लिस्टेड है। बेटा प्लीज बोलो यार, सर्विसेज ये आदमी ने ना चाइना से ही दिया, ये सर्विसेज आदमी ने चाइना से ही दिया है। बट जब इंडियन गवर्नमेंट इसे टैक्स लेने वाला था ना, इसने 5% टैक्स भरा और इसने बोला कि मेरी यूएस की एस्टैब्लिशमेंट से सर्विस प्रोवाइड हुआ है, बराबर है, या मैं यूएस से मैंने सर्विस प्रोवाइड किया है। अच्छा फिजिकल भी होता है, मैं बता रहा हूं बेटा, ये जेन्यून एग्जांपल है, फेक नहीं रहा हूं मैं। बेटा एक आदमी चाइना में बैठा है, चाइना से उसको टेक्निकल सर्विस देने का है ना, जो ऑनलाइन रिमोट लोकेशन से प्रोवाइड हो जाता है ना सॉफ्टवेयर, वो सब ऑनलाइन ही तो इंस्टॉल हो जाते हैं आजकल, बराबर है, बराबर है बेटा। मैं हाँ, ये ना नीरज चाइना का आदमी है, नीरज चाइना के अंदर बैठा हुआ है। नीरज को इंडिया से किसी ने बोला कि यार एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने बोला 1 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर है, वो बोलता है इंस्टॉल कर दे 20% TDS काटूंगा, बिकॉज DTAA में 20% है, 20 लाख रुपया जाएगा TDS का। बोलता है अरे तो बहुत ज्यादा टैक्स है, मैंने बोला ऐसा ही है इंडिया में। बोलता है नहीं नहीं मैंने सुना है कि मेरा दोस्त यूएसए से सर्विस दे रहा है उस पर 5% ही TDS है, बोलता है यूएसए का 5% अग्रीमेंट है। तो ये चाइना वाला बोलता है अरे यार चाइना से यूएस जाने में आने जाने का फ्लाइट टिकट 1 लाख रुपए का होएगा, बराबर है। ये जेन्यून एग्जांपल है, मैं फेक नहीं रहा हूं। ये चाइना से टिकट लेके यूएस चला गया, यूएसए से इसने सॉफ्टवेयर इंडिया में इंस्टॉल किया और फिर चाइना वापस आ गया और जो टैक्स है वो 5% डिडक्ट हुआ, बिकॉज ये यूएसए से सर्विस दे रहे, सुन रहे हो, बराबर है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, आता है तो प्लीज बोल देना, इसमें यूएसए का अग्रीमेंट एप्लीकेबल होएगा या चाइना का अग्रीमेंट एप्लीकेबल होएगा? आता है तो ही बोलो, नहीं तो नहीं बोला। क्वेश्चन में रिपीट करूं, चाइना से ही मैंने सर्विस प्रोवाइड किया है या चाइना के आदमी ने ही सर्विस प्रोवाइड किया है, बट उसने ऐसा बताया कि मैं यूएसए से प्रोवाइड कर रहा हूं। सपोज ये कंपनी है तो उसकी एक कंपनी यूएस में लिस्टेड है, तो उसने ऐसा बता दिया कि ये यूएस वाली कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना के दिया है, या तो मैं यूएस जाके एक दिन के लिए चाइना वापस आ गया और मैंने बोला कि यूएस से सर्विस दिया है। सो बेटा DTAA इंडिया और चाइना के बीच का एप्लीकेबल होना चाहिए या इंडिया और यूएस के बीच का एप्लीकेबल होना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा? बिकॉज ये जेन्यून ट्रांजेक्शन भी तो हो सकता है। चाइना वाला बोलेगा सर एक्चुअल में मैंने यूएस में जाके सर्विस नहीं दिया है, एक्चुअल में यूएस की कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड किया है। फेक भी हो सकता है, लोग चाइना से यूएस जाके सॉफ्टवेयर देके वापस से भी आ सकता है, क्या करूं बोलो प्लीज, बराबर है। थैंक यू गौतमी, बराबर है बेटा। टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट चेक करता है, करेक्ट है। गवर्नमेंट बोलता है तुम लोग को जो अग्रीमेंट एप्लीकेबल करने का है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप वो कंट्री का TRC दे दो, दैट्स इट। तो अगर आप चाइना में रहते हो और आप बोल रहे हो कि यूएसए से सर्विस दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूएसए का TRC लाके दे दो, हम लोग एक्सेप्ट कर लेगा कि यूएसए से सर्विस प्रोवाइड हुआ है। तो बेटा ये हो गया स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। बेटा ये पहले था ही नहीं, 2009 के पहले ये रूल ही नहीं था, 2009 के पहले ये रूल ही नहीं था, कोई सुन रहा है? 2009 क्या, 2012 के पहले ऐसा कोई रूल ही नहीं था,
टीआरसी करके, फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया सब अपने को उल्लू बना रहा है, चाइना से सर्विस देता है बोलता है यूएसए से प्रोवाइड किया और अपन इन लोग को पकड़ भी नहीं सकता है, तो गवर्नमेंट ने नया कॉन्सेप्ट डाल दिया टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट करके। आप लोगों को अगर यूएसए का अग्रीमेंट एप्लीकेबल करवाने का है तो आपके पास यूएसए का टीआरसी होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग वो रूल एप्लीकेबल नहीं करेगा। अरे समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इन लोग ने ये चीज लॉ के अंदर ही लिख दिया है, सो इसको अपन बोलेंगे टैक्स अवॉइड कर रहे थे लोग ऐसा करके लीगल वे में, ये लीगल वे था बेटा, लीगल वे था, तो लीगल वे में टैक्स अवॉइड कर रहे थे, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक लॉ बना दिया, तो उसको अपन बोलते हैं सार, DTAA का जो टीआरसीए में उसकी बात कर रहा हूं। इज दिस पॉइंट क्लियर? बराबर है बेटा, टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग नहीं समझा है तो बोलो। हाँ, नॉट अ बोनाफाइड, बराबर है, ट्रांजैक्शन लीगल है, टेक्निकली लीगल है, कोई लूपहोल नहीं है, बट ये ट्रांजैक्शन बेटा बोनाफाइड नहीं है। आपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए ट्रांजैक्शन किया है, नॉर्मल कोर्स में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं करता है, तो नॉर्मल कोर्स में चाइना वाला यूएस जाके सर्विस नहीं देता है, तो जानबूझ के यूएस जाके सर्विस दे रहा है लोअर टैक्स करने के लिए, तो वो हो गया एंड टैक्स अवॉइडेंस। नॉर्मल कोर्स में वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांसफर नहीं करता है, तूने जानबूझ के किया रेंट बचाने के लिए, तो वो हो गया टैक्स अवॉइडेंस। अब ये सब जो मैंने बोला है बेटा लॉ में लिख दिया है कि ऐसा करोगे तो क्लबिंग होएगा, टीआरसी नहीं होएगा तो चाइना का अग्रीमेंट एप्लीकेबल होएगा, तो टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए जो लॉ में प्रोविजंस है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। इतना समझा है बेटा? मैं गारंटी बोलता हूं, तुम लोग 50% लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि गार क्या है, सार क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं मेहनत कर रहा हूं, तो नहीं समझा है तो डाउट पूछना, अदरवाइज डू नॉट कमेंट एनीथिंग, डाउट है तो पूछो बस। बराबर है? तो डिडक्शंस मैंने लेके 10 लाख के नीचे टैक्स ले लिया, तो इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, इट इज लीगल, नो बडी विल एवर क्वेश्चन यू। मैंने 3 लाख रुपया कैश में लेके 10 लाख का इनकम बता दिया, इट इज इलीगल, तो ये तो तुम लोग टैक्स इवेजन में चले गए। बराबर है? 3 लाख रुपया मैंने डाइवर्ट कर दिया अपनी वाइफ को, 3 लाख रुपया मैंने अपनी वाइफ को डाइवर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, और इसको रोकने के लिए टैक्स अथॉरिटीज दिन रात मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत को बोलते हैं सार जो लॉ में लिखा हुआ है। बराबर है? तो क्लबिंग के प्रोविजंस हो गए, आप लोगों के ट्रांसफर प्राइसिंग इज सार ओनली, ट्रांसफर प्राइसिंग इसके लिए एंटर किया है कि लोग टैक्स अवॉइड करेगा कंट्रीज में टैक्स का डिफरेंशियल रेट लेके, सो दैट इज सार। DTAA के ये जो टीआरसी प्रोविजन है, ओनली दैट प्रोविजन इज कॉल्ड एज सार। आई थिंक समझेगा। और ये लास्ट एग्जाम्पल तो मेरे को पढ़ाना, लास्ट एग्जाम्पल को पढ़ाना मेरे को जरूरी है, बिकॉज ये तो आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, ये आप लोग ने एग्जीक्यूटिव में अदर सोर्सेज में पढ़ लिया होगा तो बोल देना, नहीं पढ़ा है तो भी बोल देना। किधर था मैं? बेटा ये पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस। बराबर है? सो बेटा इधर दो आदमी है, एक है नीरज, एक बार लास्ट बार बोला ना, एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है क्या? ओके, और एक है केवल। बराबर है? ओके, मेरे को नाम चाहिए था इसलिए मैंने दूसरी बार पूछा। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन में नीरज है और केवल है। बराबर है बेटा? अगर केवल, प्लीज इसको ऑफेंसिव मत लेना, बट मैं बोल रहा हूँ केवल इंडिविजुअल लेवल पे 0 रुपया कमाता है ना, वो स्टूडेंट है, पैसा किधर से आएगा? बराबर है? सो केवल का इनकम 0 है और नीरज 10 लाख रुपए। मैं 10 लाख बार बार बोलूंगा बिकॉज उसके ऊपर 30% टैक्स आ जाता है। नीरज के पास 10 लाख रुपए का प्रोफेशनल फीस है। नीरज के पास है ना एक बॉन्ड है, नीरज ने बॉन्ड खरीदा था, बॉन्ड या डिबेंचर जो भी होएगा, ये बॉन्ड खरीदा ना, तो बॉन्ड पे लिखा हुआ था कि एवरी ईयर 1 जुलाई को आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा,
सो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट 1 जुलाई को मेरे को मिलने वाला है, बराबर है। अभी सुनो, जैसे ये 3 लाख रुपए आया, मेरे को वही प्रॉब्लम हो गया, 3 लाख पे 30% मतलब 90,000 का टैक्स जाएगा, करेक्ट है, बराबर है। सो बस, तो नीरज ने ना ये बोला भी, 3 लाख रुपए कैसे बचाओ, तो अगर मैं एटीसी ये सब डिडक्शन लेके बचाता तो वो टैक्स प्लानिंग हो जाता, कैश में तो ले नहीं सकता, कंपनी तो इंटरेस्ट है को ऑफिशियली देगी, तो अब एक ही रास्ता बचा टैक्स अवॉइडेंस का। नीरज ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बेटा जो इंटरेस्ट इनकम होता है ना, ये इनकम टैक्स में लिखा हुआ है अदर सोर्सेस चैप्टर के अंदर, इंटरेस्ट इनकम डज नॉट अक्रू ऑन डे टू डे बेसिस, बट इट अक्रूज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एंड पर्सन रिसीविंग सच इनकम, पर्सन रिसीविंग सच इनकम शाल बी लाइबल टू पे टैक्स। ये इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजंस के अंदर लिखा हुआ है अदर सोर्सेस के अंदर, कि बेटा सुनो यार, अगर आप लोगों ने बॉन्ड्स और डिबेंचर खरीदा है, बेटा बराबर से सुनना, मैंने नया बॉन्ड खरीदा है सपोज अप्रैल 2020 में, ये ना बेटा एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड थे, मार्केट में इसको ट्रेड कर सकते हो, मैंने ये बॉन्ड बेच दिया जून 2020 में, मैंने जिसको बॉन्ड बेचा ना उसने ये बॉन्ड वापस से बेच दिया सितंबर 2020 में, जिसको सितंबर में बेचा ना उसने ये बॉन्ड जनवरी में बेच दिया, पहले ए के पास बॉन्ड था उसने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, अभी बॉन्ड ई के हाथ में किसके पास है, ई के पास, कोई है लेक्चर में या चले गए सब लोग, बराबर है, हाँ थैंक यू, बराबर, इसने 3 मार्च को लास्ट में ई को मिला। अब बेटा ये बॉन्ड पे ना 15 अक्टूबर का ड्यू डेट है, कि 15 अक्टूबर को कंपनी जो है, ये कंपनी कौन सी है, IIFL, जो IIFL सिक्योरिटीज है, इन लोग ने बोला है कि 15 अक्टूबर को हम लोग इंटरेस्ट पे करेगा। तुम लोग को लगता है कि ये IIFL वाला इतना दिमाग खराब करेगा, कि 2 महीने के लिए सिक्योरिटी ए के पास था तो 2 महीने का इंटरेस्ट ए के बैंक में डालेंगे, फिर नेक्स्ट 3 महीने का सिक्योरिटी बी के पास था तो 3 महीने का इंटरेस्ट बी को मिलेगा, उसके बाद सितंबर से लेके जनवरी तक का जो भी पीरियड है उसका, अरे यार IIFL वाला बोलता है सर, IIFL वाला बोलता है सर जो करने का है करो, हमारे रजिस्टर में 15 अक्टूबर को जिसका नाम है मिस्टर सी का नाम है तो मिस्टर सी को पूरे साल का इंटरेस्ट एक साथ मिलेगा, दैट्स इट, कोई सुन रहा है। अब वो तुम लोग को इंटरनली क्या करने का है तुम्हारा मर्जी, वो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन है पैसा मिलने के बाद डिवाइड करो नहीं करो वो तुम्हारा मर्जी। IIFL वाला बोलता है हमारा लाइबिलिटी ये है कि भाई जिसके पास 15 तारीख को बॉन्ड है वो अगर 14 तारीख को बॉन्ड लेगा ना तो भी उसको ही एक दिन का नहीं पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, समझ रहे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोलता है यार हम लोग को भी ये परेशानी होएगा, कौन देखेगा कितना 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 किसके पास था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी लॉ बना दिया कि ये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होता है जिसके बैंक में जाता है पूरा टैक्स वही भरेगा, दैट्स इट, इतना समझा। तो बस यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डज नॉट अक्रू ऑन डे टू डे बेसिस, मतलब वहां पे कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता है 2 महीने के लिए इतना, 3 महीने के लिए इतना, 4 महीने के लिए इतना, जिस डेट पे किसी का नाम है उसको पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा और वही आदमी टैक्स भरेगा। अरे यार बोलो यार, नीरज के पास IIFL का बॉन्ड और डिबेंचर है, नीरज को मालूम है कि उसको 3 लाख रुपया इंटरेस्ट जुलाई में मिलने वाला है, तो नीरज ने 15 जून को ये बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया टू केवल, बराबर है। अब 1 जुलाई को केवल के नाम पे ये बॉन्ड हो गया तो इंटरेस्ट जो है रिसीव्ड हो गया बाय केवल, उसके बाद 15 जुलाई को केवल ट्रांसफर्ड बॉन्ड टू नीरज अगेन, बराबर है। बेटा ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कोई बोलेगा,
बराबर है, थैंक यू। तो मैं बोल सकता हूँ ये बेटा बोनाफाइड ट्रांजैक्शन नहीं, तुमने वो डिबेंचर बेच के वही डिबेंचर वापस से खरीद लिया, और ये एग्जैक्टली ड्यू डेट के पहले हो रहा है, ड्यू डेट के बाद हो रहा है, बराबर है। इसका मतलब आप लोगों ने ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट का टैक्स इवेड करने के लिए किया था, और ये ट्रांजैक्शन लीगल है बेटा। मैं बॉन्ड बेच रहा हूँ वो बता रहा हूँ, बॉन्ड खरीद रहा हूँ मैं वो भी बता रहा हूँ, इंटरेस्ट इनकम भी केवल के बैंक अकाउंट में आ रहा है अपन वो बता रहे। सो ये लीगल, टेक्निकली लीगल ट्रांजैक्शन है, बट ये बोनाफाइड नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इज दैट पॉइंट क्लियर? बराबर है। तो बेटा इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, ये आप लोग ने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ा है, बिकॉज सब सबको पढ़ना जरूरी भी नहीं, आपके मॉड्यूल में भी नहीं था, बराबर है। सो बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन जो होता है बेटा इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। सर इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बॉन्ड वॉशिंग के परव्यू में आ जाता है, तो जो इंटरेस्ट इनकम है ना, जो ट्रांसफर री को रिसीव हुआ, वो ट्रांसफर रर के इनकम में क्लब हो जाएगा, क्लब्ड विथ ट्रांसफर रर। कोई सुन रहा है? बराबर है। तो बेटा ये हो गया सार। टैक्स अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन बनाया है, और वो प्रोविजन गवर्नमेंट ने लॉ के अंदर लिख दिया है, तो ये हो गया सार, टैक्स बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस। इज दैट पॉइंट क्लियर यार? एनी अदर डाउट एनीवन? बराबर। सो बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन में हाई इनकम क्लास असेसी अपना बॉन्ड्स और डिबेंचर ड्यू डेट के पहले बेच देता है टू अ लो इनकम क्लास असेसी, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो लो इनकम क्लास असेसी के बैंक में जाता है, बट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स उसको क्लब कर देगा ट्रांसफरर के हाथ में, सो दैट टैक्स अवॉइड जो होने वाला था वो नहीं होएगा। लास्ट एग्जाम्पल फॉर सार, और एक भी एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा। सार नहीं समझाए तो पूछो, टैक्स अवॉइडेंस नहीं समझाए तो पूछो प्लीज। क्लियर है? वो पॉइंटर थे कि इंटरेस्ट जो होता है ना वो डे टू डे, मतलब जैसे मैंने बोला ना 2 महीने का इसको, 3 महीने का इसको, ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो पर्टिकुलर डेट पे जिसका नाम रहेगा उसको पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इनकम टैक्स भी उसी आदमी से टैक्स लेता है जिसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है। तो ये लॉ में लिखा हुआ है, और ये इंटरेस्ट क्लब हो जाएगा, ये बॉन्ड वॉशिंग मतलब सार में लिखा हुआ है। इतना क्लियर है? अब बेटा डिफाइंड नहीं है नीलम, बट वो दिमाग लगाओ ना, 5 लाख के नीचे इनकम टैक्स नहीं आता है ना, रिबेट मिल जाता है उसकी वजह से, तो बेसिकली वो लो इनकम क्लास हो गया। और हाई इनकम क्लास मतलब जो हायर रेट ऑफ टैक्स भरता है, तो अगर मेरे ऊपर 30% टैक्स एप्लीकेबल है, आपके ऊपर 10% टैक्स एप्लीकेबल है, तो आप लो इनकम क्लास हो गए, मैं हाई इनकम क्लास हो गया, टैक्स रेट के हिसाब से होगा। हाँ नहीं, इसमें 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 डज नॉट मैटर, रिलेटिव डज नॉट मैटर, इट कैन बी एनी ट्रांजेक्शन। इसलिए मैंने केवल का एग्जाम्पल लिया, वो स्टूडेंट है मेरा, उसका कोई रिलेशन नहीं है, बराबर है, फिर भी ये क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता है। बराबर है। एनी अदर डाउट एनीवन? बेटा ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन करके था, डिविडेंड इनकम अभी इंडिया में शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल है, ये बोल दो बस। तो जब डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट था ना बेटा, तब डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन था, उसमें पीरियड स्पेसिफाइड था कि 3 महीने पहले देना चाहिए, 3 महीने के बाद वापस से ले लेना चाहिए, इधर कोई नहीं है, तो सिर्फ डिपार्टमेंट को प्रूफ करने का है, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, कितना भी टाइम गैप होएगा, कि ट्रांजेक्शन टैक्स अवॉइड करने के लिए किया था, तो वो बॉन्ड वॉशिंग हो जाएगा। समटाइम बिफोर द रिकॉर्डेड, समटाइम आफ्टर द रिकॉर्डेड, ये लिखा हुआ है, इधर पीरियड नहीं लिखा हुआ है। हाँ 100%, 100%
ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये देखो ना यहाँ पे मैंने जो लास्ट में स्टार बनाया था ना, सार वाले एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने बोला था क्लबिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब सार वाले एग्जाम्पल। डीम डिविडेंड में भी लीगली तो ये ट्रांजैक्शन डिविडेंड नहीं है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि इन लोग ने जानबूझ के ट्रांजैक्शन के टैक्स बचाने के लिए, तो वो इनकम टैक्स लॉ के अंदर लिखा हुआ है बट वो सार का प्रोविजन है। बराबर है, इज दिस फाइनल? एवरी एवरीबडी हैज नो डाउट? एनीबडी हैज एनी डाउट? फाइन, सो डिफरेंस समझ गया है टैक्स प्लानिंग के अंदर और टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के अंदर डिफरेंस समझ गया है, और टैक्स अवॉइडेंस पे सार एप्लीकेबल होता है वो भी समझ गया है, और सार क्या होता है वो भी समझ गया है। एम आई राइट? एम आई राइट यार? बराबर है बेटा, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस क्लबिंग होता है, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ क्लबिंग होता है। ओके सर, और क्या बोल सकता हूँ? ट्रांसफर टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्लबिंग होता है, ट्रांसफर या इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब होता है, माइनर चाइल्ड भी क्लब होता है। बराबर है, और ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ क्लब होता है। बराबर है, मजा आ रहा है मेरे को तो। सर नीरज है, वही एग्जाम्पल है सर, नीरज का 10 लाख रुपया इनकम है, कोई तो सुनता होगा, और नीरज को हाउस प्रॉपर्टी है, नीरज को हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आने वाला है 3 लाख रुपए का। वही नीरज का लाइफ में एक ही क्राइसिस चल रहा है कि 3 लाख पे टैक्स कैसे बचा लूं। सो नीरज ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया अपने बड़े बेटे को, मेजर सन, जिसका कोई इनकम नहीं है। एग्जैक्ट ये 19 साल का है, 19 ईयर्स का है। नीरज ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया अपने ब्रदर को। बराबर है, और अब ये प्रॉपर्टी इन लोग के नाम पे हो गया। गवर्नमेंट ने बोला नीरज कैपिटल गेन पे टैक्स भर, मैंने बोला सर गिफ्ट है, स्टैम्प ड्यूटी पे करके बकायदा गिफ्ट डीड रजिस्टर करवाया सर, तो गिफ्ट इज नॉट अ ट्रांसफर, सो गिफ्ट पे डेफिनेटली कैपिटल गेन नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी जब इन लोग को मिला तो गवर्नमेंट ने बोला गिफ्ट टैक्स पे करो अदर सोर्सेज में, बोलता है सर रिलेटेड पार्टी से गिफ्ट मिला तो सर ये एग्जेम्प्ट हो गया, बोलता है बराबर है। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, ये जो 3 लाख रुपए का रेंट है ना, जो अभी नीरज के बदले इन लोग को मिलेगा वो नीरज में क्लब हो जाएगा। अरे कोई लेक्चर में है क्या यार? बराबर है, मैंने बोला सॉरी गवर्नमेंट क्लब भी नहीं होएगा, बिकॉज स्पेसिफिकली आपने लॉ में लिखा हुआ है ट्रांसफर टू स्पाउस सन्स वाइफ माइनर चाइल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये 4 ही केसेस में क्लबिंग होता है। रेंट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, 4 ही केसेस में क्लबिंग होता है। सर इधर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है और वो प्रॉपर्टी ब्रदर या मेजर सन को ट्रांसफर किया है, जो आपके क्लबिंग के प्रोविजंस में नहीं आता है। अरे यार सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेटा इधर क्लबिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होएगा यार, इतना समझ रहा है कि नहीं यार? तो बेटा नीरज ने स्मूथली इफेक्टिवली 3 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया, करेक्ट है? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? अभी सोचो ना तुम लोग यार, लॉ में वाइफ लिखा है, सन्स वाइफ लिखा है, एचयूएफ लिखा हुआ है, माइनर सन लिखा हुआ है। गवर्नमेंट बोलता है कल ये ट्रांजेक्शन पकड़ा गया तो हम लोग ने उसमें मेजर सन डाल दिया, तो लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे ब्रदर को, फिर ब्रदर डाल दिया तो लोग ट्रांसफर करेंगे सिस्टर को। अरे ऐसे तो लॉ बढ़ता ही जाएगा यार, एम आई राइट? और ऐसे तो कुछ ना कुछ तो लूपहोल होने ही वाला है, तो क्या ये ट्रांजेक्शन नीरज ने बोनाफाइड किया है? नो, इट इज नॉट अ बोनाफाइड ट्रांजेक्शन, नॉट अ बोनाफाइड ट्रांजेक्शन। और सर क्या ये ट्रांजेक्शन का इंटेंशन या मेन इंटेंशन ये ट्रांजेक्शन का वॉज टू अवॉइड टैक्स, येस और नो? तो दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस यार, कोई बोलता नहीं है।
दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, बट ये चीज सार में नहीं है, क्लबिंग के चैप्टर में ये चीज कवर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलता है हम पागल थोड़ी ना यार ऐसे टैक्स बचाने देगा, तो हम लोग ने इसको गार बोल दिया है। क्या बोल दिया है? गार मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल मतलब टैक्स इवेजन लोग कर रहे हैं, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है, बट वो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए इनकम टैक्स में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो हम लोग ने जनरल प्रोविजन डाल दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें टैक्स अवॉइडेंस इंटेंशन है और अगर वो बोनाफाइड नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन होएगा, इनकम टैक्स में लिखा या नहीं लिखा है, हम लोग उसको गार में लेके आएंगे और जो टैक्स अवॉइड तू कर रहा है ना वो चीज को हम लोग नलीफाई कर देंगे। मतलब 3 लाख तेरे ब्रदर को मिला, बट हम लोग इसमें भी क्लबिंग कर देंगे, वो 3 लाख तेरे बैंक में क्लब कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज गार। एग्जाम्पल, ट्रांसफर टू मेजर सन, ट्रांसफर टू ब्रदर एंड सो ऑन। अरे यार समझ गया या नहीं समझा यार? डाउट पूछो यार, मेरे को मजा नहीं आया। डाउट पूछो प्लीज। नहीं बेटा, कोई फैक्टर कुछ कंसीडर नहीं हो रहा है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूव कर सकता है, ये मेरे को प्रूव नहीं करना है, डिपार्टमेंट को प्रूव करना है कि नीरज ने ट्रांजैक्शन सोलली विद एन इंटेंशन टू टैक्स इवेजन किया है, टैक्स अवॉइडेंस किया है, और नीरज का ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, ये बोनाफाइड नहीं है, तो नीरज का ये जो प्रोविजन है उस पर गार एप्लीकेबल हो जाएगा, जहां पे नीरज का इनकम हम लोग वापस से इंक्रीज कर सकता है टैक्स बढ़ाने के लिए। सर इधर एग्जांपल दिए, वैसे इधर दे दो ना बेटा, इधर है ना अनलिमिटेड एग्जांपल है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ऐसा कोई भी चीज यार, कोई भी चीज जिधर टैक्स इवेड हो रहा है और बोनाफाइड ट्रांजेक्शन नहीं है, बराबर है, तो उसके ऊपर गार एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी चीज बेटा, सर ऐसा नहीं मजा आएगा, ऐसा कोई भी चीज बोल बोल के हम लोग को उल्लू मत बनाओ। सर नहीं आता है, ऐसा है क्या आपको? बेटा बोलो यार प्लीज। इधर कौन है? ए लिमिटेड इंडिया की कंपनी है। सर इधर कौन है? बी इनकॉर्पोरेशन जो यूएसए की कंपनी है। कोई सुन रहा है? बराबर है बेटा। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखा हुआ है। कोई सुन रहा है क्या? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब मालूम है तो बोल दो, आता है तो, नहीं तो मैं तुम लोगों को बताऊं। ये पढ़ा होगा क्या वो वाला रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस क्लब हो जाता है हस्बैंड के इनकम में, याद है? उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट पढ़ा होगा ना, क्या था? बराबर है। इट्स अ शेयर कैरिंग नॉट लेस देन 50% ऑफ वोटिंग पावर अनकंडीशनली। कंडीशनली 20% और मोर है। कंडीशनली कितना बोला है मैंने? 20। तो नीरज या उसके रिलेटेड पार्टी दोनों ने मिलके अगर 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड किया है कोई भी कंपनी में, तो उन लोग का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है वो कंपनी में। कोई सुन रहा है? बेटा मैं तुम लोग को जेन्यूनली बोल रहा हूँ, प्लीज सुनना यार। एक कंपनी में 20% शेयर किसी का नहीं होता है, प्रमोटर्स को छोड़ के। प्रमोटर्स को छोड़ के तुम लोग ट्रांजैक्शन देखो ना यार, क्या स्मार्ट मूव किया है बेटा। तुम लोग मेरे को बोलो यार, सो गए क्या बेटा? तुम लोग है ना कोई भी चीज मार्केट में लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ या कुछ भी लेने जाओ, अगर सामने वाले ने बोला सर 21 रुपीज का है, तो आप क्या करोगे? उसको राउंड ऑफ करोगे या 21 दे के आओगे? आप बोलोगे ना जो भी होएगा बेटा, आप बोलोगे सर 20 में ले लो ना, खत्म करो मैटर, बराबर है? सामने वाला राउंड ऑफ करने के लिए अपर पे जाएगा, आप लोअर पे जाओगे। अब ये देखो ना यार, फेसबुक इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस, मैंने बताया पहले बेटा, फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट किया। ये देखो ना, राउंड ऑफ करना चाहिए ना 10%, 9.99 किया एग्जैक्ट। कोई समझ रहा है क्या?
बराबर है ये बेटा, DTAA के प्रोविजन से आगे पढ़ाऊंगा मैं, आपने पढ़ लिया होगा, तो आपने पढ़ा नहीं होगा, अपने सिलेबस में नहीं है, बट DTAA के बेटा प्रोविजन में 10% अगर फेसबुक इन्वेस्ट कर देता ना 10%, तो बराबर है DTAA में इन लोग को लॉस हो जाता। तो इन लोग ने जानबूझ के 9.99 पे रोक दिया इन्वेस्टमेंट को, सुन रहा है? बराबर है, बराबर है। तो बेटा अभी सुनो यार बेटा, 9.99% मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया, मतलब फेसबुक का टेक्निकली प्रोविजन वाइज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, बट टेक्निकली दे हैव अ सब्सटैंशियल से इन द कंपनी, दे हैव सब्सटैंशियल से इन द कंपनी। सर क्या पका रहे हो, क्या पढ़ाना बोल रहे हो, बोलो ना यार। ए लिमिटेड इंडियन कंपनी है, बी इनकॉर्पोरेशन यूएसए का कंपनी है। ए लिमिटेड ने बेटा इसका है ना सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 9% 10% जो आपस में उन लोगों ने डिसाइड किया होगा, कोई सुन रहा है? बराबर है। सो बेटा ये दोनों कंपनी एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है एज पर द डेफिनेशन, करेक्ट है? बिकॉज एसोसिएट में 26% और मोर वोटिंग पावर होना चाहिए यार। बराबर है। नीरज ये कंपनी के 49% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, तो ये एसोसिएट नहीं है बिकॉज लेस देन 50% है यार, बोलो यार। अरे बट यार 50% नहीं है, वो तो टेक्निकलिटी है। अल्टीमेटली तो मैं बोल सकता हूं इतना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मतलब ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर ही सकता होगा, करेक्ट है? सो नीरज ने बेटा इसको सामान बेचा और नीरज ने सेलिंग प्राइस डिटरमाइन किया 45 लाख, और नीरज ने ये सामान किसी और कंपनी को भी बेचा है, जेड इनकॉर्पोरेशन को, जिसको बेचा है सेलिंग प्राइस है 90 लाख रुपीज। बराबर है। तो नीरज बोलता है कि सर ये 45 लाख है। इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया कि सर ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है सर, ये आप लोगों को 90 लाख पे बताना पड़ेगा। नीरज बोलता है सर किधर लिखा है, आर्म्स लेंथ प्राइस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली वेन ट्रांजेक्शन इज बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, करेक्ट है? तो गवर्नमेंट बोलता है यार ऐसे तो फिर हम ऐसा बोल देंगे 5% होल्डिंग है तो भी एसोसिएट हो गया, वो तो नहीं पॉसिबल है। तो बेटा ये चीज एएलपी में नहीं आता है, तो बोलता है कोई बात नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन, रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इंटेंशन टैक्स इवेड करना है, टैक्स अवॉइड करना है, और अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग उसको 90 लाख पे ट्रीट करेंगे, इट इज कॉल्ड एज गार। अरे समझा क्या? सार के हिसाब से ये एसोसिएट होता तो 90 लाख पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए था, अब ये एसोसिएट नहीं है मियरली बिकॉज ऑफ 1% 25% होल्डिंग है समझो ना, या मियरली बिकॉज ऑफ 49% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेटा ये कंपनी इसको इन्फ्लुएंस तो कर पा रहा है, इन लोग ने ट्रांजैक्शन भी जानबूझ के ऐसा एंटर किया टैक्स अवॉइड करने के लिए, बट सिंस इधर एएलपी ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं हो रहा है बिकॉज ये एसोसिएट नहीं है, ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी नहीं है, इसके लिए गार सार एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, अगर हमारे ऑफिसर ने प्रूव कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन एएलपी पे नहीं है और ये ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है टैक्स इवेड करने के लिए, तो ऐसे केस में हम लोग इसका भी वैल्यू 90 लाख लिख सकते हैं। सर नहीं लिखा है ट्रांसफर प्राइसिंग में, इसके लिए तो गार बोल रहा हूं यार, ट्रांसफर प्राइसिंग में लिख देता तो सार हो जाता। कितने लोगों को नहीं समझा, सर नहीं समझा उन लोग बोलो, बाकी मत बोलो। बेटा किसने पूछा है, कस्तुभ ने पूछा है, कस्तुभ बेटा यस जो बोल रहा है तो 100% राइट है, हर एक ट्रांजैक्शन गार में कवर हो सकता है बेटा, ऑल ट्रांजैक्शंस कैन बी कवर्ड बाय गार, प्रोवाइडेड असेसिंग ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन टैक्स इवेजन के पर्पज से हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस के पर्पज से हो रहा है, यह ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा। एंड ये ट्रांजेक्शन्स या तो बोनाफाइड नहीं है जैसे सन को ट्रांसफर किया था, या ये ट्रांजेक्शन आम प्लेन प्राइस पे नहीं है। बराबर है। तू जो बोल रहा है वो करेक्ट है, असेसिंग ऑफिसर हर एक ट्रांजेक्शन पे गार एप्लीकेबल कर सकता है, बट उसको प्रूव करना पड़ेगा कि टैक्स अवॉइड हो रहा है, और या तो ये ट्रांजेक्शन बोनाफाइड नहीं है या तो एएलपी पे नहीं है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो दैट इज द मेन पर्पज ना, टैक्स। तो अगर सपोज मैंने प्रूव कर दिया
कि सर ये ना ये 90 लाख में मैंने जब माल बेचा था ना सर, ये अक्टूबर 2019 का सामान था, आज सर अक्टूबर 21 आ गया, अब सर ये 90 लाख में एक मैंने मशीन बेचा, उसके बाद सर ये मशीन बिका ही नहीं फ्यूचर में कभी, तो 2 साल से मशीन मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है, तो अब मैंने उसको डिस्काउंट पे निकाल दिया 50% पे, तो बेटा ये ट्रांजैक्शन बोनाफाइड हो गया, समझा? तो इसमें गवर्नमेंट गार एप्लीकेबल नहीं कर पाएगा फिर, तो अगर मैंने गवर्नमेंट नोटिस भेजता है कि गार एप्लीकेबल है, तो गवर्नमेंट को प्रूफ करना पड़ता है, गवर्नमेंट को, कि ट्रांजैक्शन टैक्स अवॉइडेंस के लिए हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन या तो बोनाफाइड नहीं है या तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, अगर उसने प्रूफ कर दिया तो गार एप्लीकेबल होएगा, मैंने रिवर्स प्रूफ कर दिया तो गार एप्लीकेबल नहीं होएगा। सो इतना सिंपल नहीं है हर एक ट्रांजेक्शन पे गार एप्लीकेबल करना, बट तू पूछ रहा है तो यस, गार हर एक वो ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल हो सकता है जिधर टैक्स अवॉइडेंस है, और मैं आगे बताऊंगा कौन सी कंडीशन है। नहीं 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 बेटा, ओपिनियन नहीं, गवर्नमेंट शुड हैव अ प्रूफ के देर इज एन एविडेंस। हाँ हाँ प्रूफ है तो ही, प्रूफ है तो ही, ओपिनियन होएगा तो नहीं चलेगा, प्रूफ है तो यस यस। सो एग्जाम्पल, अ ट्रांजैक्शन बिटवीन, क्या बोल सकता हूं, बिटवीन क्या बोलू, नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज। हाँ बट बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग के हिसाब से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता ना, ट्रांसफर प्राइसिंग के हिसाब से 26% और मोर वोटिंग होना चाहिए ना। नहीं बट बेटा 20-21% हुआ तो वही बात है ना, 26 होता तो मैटर ही खत्म हो जाता, वो तो सार में अपने ट्रांसफर प्राइसिंग में आ जाता। सो ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज है, किस पे हो रहा है, नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। बेटा आर्म्स लेंथ प्राइस का सिंपल मीनिंग है फेयर मार्केट वैल्यू, करेक्ट है ना, सिंपली मीनिंग है कि फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। एंड टैक्स अवॉइडेंस बराबर है, टैक्स अवॉइडेंस नहीं होएगा ना तो गार सार कुछ नहीं हो सकता है, वो याद रखना, टैक्स अवॉइडेंस होना चाहिए तो ही गार या कोई सार एप्लीकेबल हो सकता है, बराबर है। तो ट्रांसफर टू मेजर सन, ट्रांसफर टू ब्रदर हो गया, ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉन एसोसिएट हो गया जो एएलपी पे नहीं हो रहा है, तो ये सब ट्रांजैक्शन में गार एप्लीकेबल हो जाएगा। इतना पॉइंट समझ रहा है क्या? किसी ने आंसर नहीं दिया, इतना पॉइंट समझ रहा है क्या? बराबर है, तो सर सार के तो आप बिंदास एग्जाम्पल दे रहे थे, गार के तो आप रुक गए एग्जाम्पल देते देते, बेटा मैं आगे और एग्जाम्पल दूंगा, बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गार के बेटा अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स है ना, कितने एग्जाम्पल हो गया, सार के स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब इतने ही केसेस में सार एप्लीकेबल है, क्लबिंग इज सार, और क्या बोला मैंने, एएलपी ट्रांसफर प्राइसिंग इज सार, डीटीडब्ल्यूए का टीआरसी इज सार, एंड सो ऑन, जो भी बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, डिविडेंड स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन, सब सार के एग्जाम्पल्स हैं, डीम डिविडेंड किसी ने बोला वो सार का एग्जाम्पल है, तो 2000 सार वो स्पेसिफिक है, इतने ही एग्जाम्पल है, गार में अनलिमिटेड है, तो सर कैसे मालूम पड़ेगा गार एप्लीकेबल हो रहा है? पूछो पूछो। हाँ यस यस यस, और कोई डाउट? और कोई डाउट? बेटा सर तो गार एप्लीकेबल कभी होएगा उसके बेटा लॉ नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कंडीशंस बनाया हुआ है जो आप लोगों को रीड करने का है, फिर समझाऊंगा मैं फॉर श्योर, बराबर है, ये रीड करने का है, इतना से इतना रीड करूंगा। इधर तक पॉइंट नंबर डी तक रीड करो बस।
कोई रीड कर रहा है? बेटा सिंपल है, गार विल बी एप्लीकेबल, गार एप्लीकेबिलिटी है इफ अग्रीमेंट इज, कौन सा अग्रीमेंट? इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट है ना बेटा। स्क्रीनशॉट लेने में, कॉपी फटाफट करने में घाई नहीं करना, पेशेंटली पढ़ो ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, बराबर है। गार इज एप्लीकेबल इफ द अग्रीमेंट इज इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। सर एक अग्रीमेंट को इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट कभी बोला जाएगा, वो मेरा क्वेश्चन है। कोई सुन रहा है तो मैं मेहनत करूं। सो गए, बराबर है बेटा। इम्परमिसेबल अग्रीमेंट कभी बोला जाएगा? जब मेन कंडीशन सेटिस्फाई होएगा तभी, मेन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मस्ट बी सेटिस्फाइड, बराबर है। और एंड एनी वन ऑफ द टेंटेड कंडीशन, टेंटेड कंडीशंस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सर क्या बोलना चाह रहे हो? ये आपने रीड किया, मैं वही लिख रहा हूं, देखो ना। An impermissible avoidance agreement means the main purpose of which is to obtain tax benefit and कोई सुन रहा है? और बेटा आपका ये आपके यहाँ पे एंड है और आगे क्या बोला हुआ है सर? मेन एग्रीमेंट इज टू ऑप्टेन टैक्स बेनिफिट, टू ऑप्टेन टैक्स बेनिफिट, पॉइंट नंबर वन, टू ऑप्टेन टैक्स बेनिफिट। और सर टेंटेड कंडीशन चार है सर, चारों सेटिस्फाई होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, चार में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। चार में से कितना बोला? कोई भी एक कंडीशन। सर चार कंडीशन कौन सी है बोलो? पहली कंडीशन, ट्रांजैक्शन इज नॉट एट is not at arm's length price, am I right? Arm's length price, वही वाला example जो अपन ने अभी किया था यार, arm's length price, बराबर है। ये वाला associate होता तो बेटा गार applicable नहीं होता, transfer pricing में चले जाता है। assume करना है associate नहीं है, सुन रहे हो? सो जाते बीच में मेरे को लगता है सो जाते, बोले बोर हो गया अभी सर बस। transaction is Not a bona fide transaction. Not a bona fide transaction. Am I right? Sir, ये दो तो आपने पढ़ा दिया, वही transfer to brother वाला example. बराबर है, bona fide नहीं है, tax avoid करने का ही लिए ये agreement sign किया है। और कोई read कर चुका है या textbook है क्या तुम्हारे पास? Textbook है तो textbook में देख के बोलो ना, और दो condition थी, क्या थी? Transactions lack commercial substance. अच्छा तुम लोग कॉपी नहीं करते ना, तो मैं इतना मेहनत से क्यों लिख रहा हूं? Transaction lacks commercial substance. Commercial substance. Commercial substance सर क्या होता है? मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा, सिर्फ सुन लेना। Commercial substance मतलब transaction एक दूसरे के सामने set off हो जाता है। मैंने sale बताया, किसी और ने मेरे को purchase कर दिया, किसी और ने मेरे से परचेज बता दिया, मतलब एक ग्रुप ट्रांजैक्शन है जहां पे एक दूसरे का ट्रांजैक्शन सेट ऑफ हो गया। तो मैं सेल बताऊंगा मेरा टैक्स बढ़ेगा, बट सामने से मैं परचेज एक्स्ट्रा बता के टैक्स कम कर लूंगा, एंड सामने वाला भी ऐसे ही करेगा। वो बोलता है ट्रांजैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस से नहीं हो रहा है। मैं सब एग्जाम्पल दूंगा, और एक था एग्जाम्पल बोलो। एनी ट्रांजैक्शंस Which results in misuse of
प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। बेटा ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बराबर है। मेन कंडीशन तो कंपलसरी सेटिस्फाई होना चाहिए, और टेंटेड में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो चलेगा, टेंटेड में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो चलेगा। ये चारों कंडीशंस के बेटा इतने एग्जाम्पल बताऊंगा जितने आप लोग के मॉड्यूल में भी नहीं दिए हुए हैं, बट सिर्फ एक बार के लिए कंडीशन रिपीट कर देना। एक मेन कंडीशन है कि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ट्रांजैक्शन किया है और कोई दूसरा रीजन नहीं है, करेक्ट है, बराबर है। और टेंटेड कंडीशन मेरे को बोलता है कौन सा टेंटेड कंडीशन है, ए बी सी डी के बदले एम है, ए बी सी एम, बराबर है। ए मतलब ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हो रहा है, या तो ट्रांजैक्शन बोनाफाइड नहीं है, या तो ट्रांजैक्शन सी मतलब कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है, और डी के बदले एम है। एम मतलब क्या था, ट्रांजैक्शन मिसयूज कर रहा है प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ए बी सी डी के बदले ए बी सी एम ट्रांजैक्शन अगर होएगा तो टेंटेड कंडीशन माना जाएगा, और अगर ये मेन कंडीशन और इसमें से कोई भी एक टेंटेड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इन दैट केस ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। इज दैट पॉइंट क्लियर, बराबर है बेटा। किसी ने तो मेरे को पूछा था, कस्तुब ने पूछा था, क्या बेटा कस्तुब आपने पूछा था कि सर ऐसे तो हर ट्रांजैक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा। हाँ बेटा, तो यस हर एक ट्रांजेक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा। अब बोलो यार, मेरा बेटा इनकम बार बार मैं कितना बोल रहा था, सॉरी, हाँ गार मतलब वही जो भी है, बराबर है। बेटा मेरे को बोलो ना, मैं बार बार अपना इनकम कितना बता रहा था, 10 लाख, और मैं कितने रुपए के लिए रो रहा था, 3 लाख के लिए मैं रो रहा हूं, और 3 लाख पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलने वाला है 90,000, बराबर है। गवर्नमेंट बोलता है नीरज तेरे लिए ये 90,000 बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, हमारे लिए ये बड़ा अमाउंट नहीं है यार, बराबर है। हमारे लिए बड़ा अमाउंट वो होएगा जहां पे ट्रांजैक्शन में जो टैक्स बेनिफिट हो रहा है वो 3 करोड़ के ऊपर का हो रहा है। कितने के ऊपर का हो रहा है, 3 करोड़, मोर देन 3 करोड़। तो गार के प्रोविजन हर एक केस में एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट बोलता है गार में लिटिगेशन ही मैटर, मतलब गार का मैटर लिटिगेशन में जाने ही वाला है। ऐसा एक भी मैटर नहीं है जो असएससी लेवल पे सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज असएससी हमेशा बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये गार नहीं है, ऑफिसर बोलेगा गार है। तो गवर्नमेंट बोलता है छोटे मोटे अमाउंट के लिए परेशान नहीं करना, तो गार एप्लीकेबल, गार एप्लीकेबल इफ क्या, इफ अबाउ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इफ, या तो ऐसा लिख दो सिंपली, इफ इट इज क्या, मेरा लाइफ खराब हो जाएगा पर तुम लोग आंसर नहीं दोगे, इफ इट इज क्या, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, राइट, एंड एग्रीगेट टैक्स बेनिफिट इन इंडिया, एग्रीगेट टैक्स बेनिफिट बेनिफिट इन इंडिया इज मोर देन 3 करोड़ रुपीज। बेटा एग्रीगेट का मतलब कोई बोलो ना यार, एक एग्रीमेंट में 3 पार्टी है, नीरज कोई सुनता है क्या, बराबर है। एक एग्रीमेंट में 3 पार्टी है, नीरज है, बराबर है, प्रोविंस है, और सपोज प्रवीण है। तो बेटा तीनों का अग्रीमेंट में नीरज को अकेले को 4 करोड़ का फायदा हो रहा है तो गार एप्लीकेबल हो जाएगा। नीरज को 1.5 करोड़ का फायदा है, प्रवीण को 1.5 करोड़ रुपए का फायदा है, प्रोविंस को 1.5 करोड़ रुपए का फायदा है, तो भी गार एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज एग्रीगेट तीनों का मिला के इंडियन इनकम टैक्स में 3 करोड़ को एक्सीड हो रहा है, समझ रहे हैं। बाकी लोग किधर गए, अरे समझा मैंने क्या बोला, तो इंडिविजुअल पार्टी का 3 करोड़ को एक्सीड हो गया तो ऑब्वियसली बातें गार एप्लीकेबल होने वाला है। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो बेटा अगर आप लोगों का अग्रीमेंट वैल्यू 3 करोड़ के ऊपर से जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो अग्रीगेट मतलब जितनी भी पार्टीज है सबका टोटल, और वो टोटल में इंडिया में जो टैक्स सेव हो रहा है वो 3 करोड़ के ऊपर होना चाहिए तो गार एप्लीकेबल हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है।
तो कार एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ब्रदर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, और अगर सिर्फ 2 करोड़ रुपया टैक्स बचा 2 करोड़ रुपया, तो कार इज नॉट एप्लीकेबल। सार में नहीं लिखा हुआ है, गार में नहीं लिखा हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन बिंदास कर सकते हो। हाँ, पर ट्रांजेक्शन, तो पूरे साल का नहीं बेटा, सॉरी, पर ट्रांजेक्शन नहीं, पूरे साल का टोटल है, पूरे साल का टोटल है। और क्या करूं मैं? हाँ, और एक मेरे को बोलने का था सर, गार एप्लीकेबल सिर्फ कंपनी तो होता है क्या? गार इज एप्लीकेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, कोई सुन रहा है? मतलब सर, गार एप्लीकेबल इंडिविजुअल को भी हो सकता है, गार एप्लीकेबल कंपनी को भी हो सकता है, गार एप्लीकेबल पार्टनरशिप फर्म को भी हो सकता है, सबको हो सकता है, बराबर है सर? गार ऑब्वियसली बात है रेसिडेंट को एप्लीकेबल होएगा, इंडियन इनकम टैक्स अपन पढ़ रहे, तो गार इज एप्लीकेबल irrespective of residential status, it does not matter बेटा, resident होएगा, non-resident होएगा, OR होएगा, NOR होएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंडिया में 3 करोड़ के ऊपर से ज्यादा टैक्स सेव हुआ है तो गार एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट्स इट। समझा मैंने क्या बोला? सो गए, एम आई ऑडिबल, विजिबल? तो बीच में क्यों सो जाते हैं, मेरे को समझता नहीं, मेरे को लगता है नेटवर्क चला गया है मेरा, बराबर है? सो गार इज एप्लीकेबल इफ एग्रीमेंट इज इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, एग्रीगेट टैक्स बेनिफिट टू ऑल द पार्टीज थ्रू आउट द ईयर शुड बी मोर देन 3 करोड़ रुपीज, गार इज एप्लीकेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, इट इज एप्लीकेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर बिलगेट्स का एक एक पार्टी अग्रीमेंट में, बिलगेट्स से एक पार्टी अग्रीमेंट में नीरज है, ये दोनों ने मिलकर है ना इंडिया में 3 करोड़ के ऊपर का टैक्स बचाया है, तो बिलगेट्स के ऊपर भी गार आएगा, पेनल्टी वेनल्टी जो है वो आने वाला है, नीरज के ऊपर भी गार एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट्स इट। कितना समझा है? गया, ठीक।